माता की जय। भारत माता वाकई माँ है, जिन्होंने पूरे विश्व को शरण दिया। भारत माता ही ऐसी माँ है जिसने सभी को पाला पोषा, किंतु इतिहास इसका गवाह है कि जिसने आया उसने धोखा किया। उनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने साथ भी हैं, आज भी साथ हैं, किंतु कईयों ने इतिहास है कि जिस भारत ने अपनी भूगोल में शरण दिया पूरे विश्व को, उस भारत के साथ कितना छला गया, उस मां के साथ कितना छला गया। किंतु भारत में ऐसी अभी भी परंपरा है कि भारत किसी के साथ छल नहीं किया, भारत किसी के साथ चीटिंग नहीं किया। मैंने आज सुना एक टीवी के माध्यम से चैनल कि कराची का मेयर कह रहे हैं कि भारत एक सबसे बड़ा सहिष्णु टॉलरेंट कंट्री, टॉलरेंस जो वाकई जो देखना है सहिष्णुता, वो भारत के अंदर है। भारत कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। भारत में रहने वाले आज भी लोग आनंद के साथ रह रहे हैं, यानी वाकई भारत माँ, माँ जहां पे विशाल हृदय का परिचय है, प्रेम का परिचय है। किंतु इस मां के साथ आज भी छल हो रही है। नमक यहां की खाएं और कहीं और की बात करें हम, कई लोग ऐसे भी थे जो और भी कई तरह से बात करते थे विदेशों की, विदेश में ये है, विदेश में वो है, किंतु इस देश में जो है वो कहीं नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां मैत्री, प्रेम, भाव। स्वामी विवेकानंद ने जब वेस्ट में गए, पश्चिम में गए, यही वो देश है जहां बुद्ध ने माधुकड़ी करके जीवन व्यतीत किया, जहां महावीर हुए, जहां राम हुए, कृष्ण हुए। शिव शंकर की ये भूमि है, आद्य शंकर की भूमि है ये। स्वामी विवेकानंद ने वहां कहा कि वहां तो माधुकड़ी से लोग परिचय ही नहीं है, उनकी परंपरा में माधुकरी नहीं है। फिर उनकी परंपरा में वो संत और सात्विकता भी नहीं। स्वामी विवेकानंद इतने परेशान हो गए कि अरे यहां लोग माधुकरी से परिचित भी नहीं है। अमेरिका में वो परेशान हो गए कि लोगों को यहां पता भी नहीं कि माधुकरी क्या होती है। और स्वामी विवेकानंद से पहले, कई हजार वर्षों पहले से यहां संत परंपरा चली आ रही है, माधुकड़ी की परंपरा चली आ रही है। यदि देखें तो उनसे 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने पूरा परंपरा माधुकड़ी का था, पूरा परंपरा भिक्षुक का था, आज भी बहुत भिक्षुक के नाम से जानते हैं, कहीं और नहीं भारत की वो भूमि है। तो भारत एक ऐसा भूमि है जहां भावना है, जहां प्रेम है, मैत्री है, भाईचारा है और शरण देने वाला देश है। इसीलिए सबसे ज्यादा शरणार्थी भारत में आते हैं। किंतु जो शरण दे रहा है अपने, जो अपना भूगोल दे रहा है, उसका इतिहास छल कपट से, उसका इतिहास गवाह है कि इतना अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, फिर भी भारत माँ है और धरती माँ है, फिर भी भारत अभी भी भारत है, अभी भी यहां की धरती से सोना उगलती है भारत माँ, अभी भी यहां की जमीन में, मिट्टी में वो ताकत है कि सारा का सारा एग्रीकल्चर जो भी होना चाहिए हमें आवश्यकता, वो सब कुछ भारत में होता है। कह सकते हैं कि भारत इंडिपेंडेंट कंट्री है, देश है, पूरी तरह से किसी से कुछ भी लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो जो चाहिए आवश्यकता, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर लैंड। इसलिए तो इस धरती पर भगवान राम अवतरित हुए, भगवान कृष्ण अवतरित हुए, बुद्ध अवतरित हुए,
महावीर अवतरित हुए, गुरु नानक देव अवतरित हुए, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, संतों की धरती है। कहीं एकम दुकम, लेकिन भारत में तो अनंत महापुरुषों ने अवतार लिया। तो अवतारों की भूमि है, पुण्य आत्माओं की भूमि है भारत। किसी ने कह रहा था कि भारत का कोई देन ही नहीं है, जब कोई चंद्रमा तक चला गया, कोई कहीं चला गया, कहीं चला, भारत का कोई कुछ नहीं है, मिट्टी भर अन्न नहीं उपजा पाते। किंतु भारत यदि देखें तो सबसे बड़ा अन्न का भंडारण करता है। भारत ने न जाने क्या क्या गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट नाम जैसे गणितज्ञ को दिया। किसी भी क्षेत्र में देख ले तो भारत का कंपैरिजन, तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। तो वो देश है भारत, जहां की खोज सनातन काल से चल रही है, पुरातन काल से चल रही है। और भारत की भूगोल इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और इतिहास उतनी ही सुंदर है। किंतु कुछ काल ऐसा रहा जब भारत पर कई आक्रांताएं आके आक्रमण किए, भारत को तहस नहस करने की कोशिश किए, किंतु सत मिटती नहीं है, थोड़ी सी परेशान जरूर हो जाती है, और मिटाने वाले खुद मिट गए। किंतु आज भारत की आवश्यकता है, और भारत भारतीयों की आवश्यकता है कि आज कृष्ण की नीति को अपनाएं, और फिर टाइट फॉर टैट, जैसा को तैसा होना चाहिए। कृष्णम शरणम गच्छामि, क्योंकि मां के हृदय में प्रेम है, सहिष्णुता है, तो मां थोड़ी सी कर ये भी होनी चाहिए, नहीं तो लोग उसका बेनिफिट उठाते आ रहे हैं। ये वो वीरों की धरती है जहां पृथ्वीराज चौहान हुए, जिसने गौरी को 16 बार परास्त किया था, किंतु एक बार जब गौरी ने जीता तो पृथ्वीराज का आंख तक निकाल लिया था। तो इतना भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, हमारा इतिहास गवाह है। प्रेम की धरती है, प्रेम हम देंगे, कृष्ण ने प्रेम दिया, राम ने प्रेम दिया। बुद्ध ने प्रेम दिया, महावीर ने प्रेम दिया, गुरु नानक देव ने प्रेम दिया, किंतु गुरु गोविंद सिंह ने अपनी बलिदान दी है इस धरती, महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया है इस धरती के लिए। 6,40,000 हमारे भारतीय सपूत ने स्वातंत्र हेतु बलिदान दिया है भारत मां के लिए। इसलिए आज आवश्यकता है कि तोरो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पैर हमारे मोह की, उस बेरियों को तोड़े आए आगे हम, और समझे फिर इतिहास दोबारा न घटे, इसके लिए हम सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं। फिर कोई हमारे भूगोल पर उंगली ना दिखा पाए। हमारा इतिहास भी है, क्योंकि भारत आज 60% युवाओं का देश है, एंड यूथ हैव अ डिवाइन पावर, यूथ हैव अ डायनेमिक पावर, एंड रियली यूथ इज रियली ट्रूथ। युवाओं के साथ यह सत्य है कि युवाओं के पैर में इतनी साहस और शक्ति है कि कुछ भी कर दे। तो आज हमें कृष्ण और राम के चरित्र को अपना के भारत मां को फिर से वो सोने की चिड़िया, फिर से वो त्रेता द्वापर शतयुग और कलिजयुग में भी वीरों की ये धरती, जो हमारे महापुरुषों ने अपने चरित्र को दर्शा के गए, उस चरित्र को आज भी हम, क्योंकि सबसे बड़ी कमी रही है कि भारत में मॉरल एजुकेशन नहीं हो पाता है। कॉलेज में हम स्टूडेंट को मुगल हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाते हैं, स्कूल लेवल से किसी महापुरुषों का चरित्र नहीं पढ़ाते, कोई मॉरल एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशनल 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 एजुकेशन।
सो पेट भरना तो हमने सिखा दिया, किंतु चरित्र निर्माण करना हमने नहीं सिखाया। क्योंकि हम ऐसा बना दिए हैं कि जैसे नौकरी नौकरी खोजना, नौकरी के लिए पढ़ाई करना। अब नौकरी के लिए पढ़ाई करेगा तो नौकर की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। और मैकाले की थियोरी आज भी चल रही है, आज ये नौकरी वो नौकरी। तो आज भारत को मैकाले ने नौकर की तरह बना दिया। कभी भारत सेल्फ डिपेंडेंट व्यवसायियों का देश हुआ करता था, व्यापारियों का बहुत बड़ा साम्राज्य था भारत में। उस समय जब मलमल की कपड़ा बनती थी, जब विश्व में कहीं कपड़े भी पहनने नहीं आते थे लोगों को, और मैकाले ने आके हमारे देश को, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ऐसा बना दिया कि नौकरी की खोज करने लगे हम लोग, कहीं डिपेंड हो गए किसी के लिए काम कर रहे हैं। और पहले हम स्वयं के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि स्वयं के लिए यदि 16 घंटा भी आप काम करें तो आप थकते नहीं हैं, किंतु किसी और के लिए आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो 8 घंटा में थक जाएंगे आप, क्योंकि वो इमोशन नहीं होती है, अचीव अचीव माइंड नहीं होता है हमारा, इट्स अ लेबर माइंड। हम परिश्रम करते हैं, परिश्रमी के मजदूर की तरह माइंड होता है, द मजदूर हैव कोई उसमें अचीविंग माइंड नहीं होती, इसलिए वो थक जाता है। किंतु एक जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपना अचीव करने की जो होता है टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेंशन। वो एक पॉजिटिव टेंशन को लेकर चलता है और एक नेगेटिव टेंशन को लेकर चलता है। तो पॉजिटिव टेंशन वाले 16 आवर भी काम करे तो थकते नहीं है, वैसा ही रेस्पिनेट एंथुसम फील करते हैं, किंतु एक 8 घंटे में एक लेबर थक जाता है काम करके, कहता हमने 8 घंटा काम किया। उसी कंपनी फैक्ट्री का ओनर 16 घंटा काम करता हो थकता नहीं। तो अचीवर्स माइंड भारत की कभी थी, आज अचीवर्स नहीं, डिपेंडेंट माइंड। आज नौकरी की खोज करने वाले नौकर की ही मानसिकता आ जाती है भारत की। तो आज फिर से हम अपनी टेंडेंसी को बदले, और बदली भी है, आज बदली है भारत, बहुत कुछ बदला है। थोड़ी सी पेशेंस रखें और ये गवर्नमेंट फिर से अपने आप को अप्स आएगी, अच्छी जीडीपी हो जाएगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं जो अपने आप में एक इतिहास बन गया, इट्स ए हिस्ट्री ऑफ द इंडिया भारत। जो लास्ट 70 ईयर्स में 370 पर कुछ नहीं हुआ, वो इस गवर्नमेंट ने लिया डिसीजन। देर आर सो मेनी डिसीजंस, राम मंदिर का सॉल्व हो गया, सो मेनी थिंग्स एज गवर्नमेंट हैज बीन डन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो सपोर्ट इंडिया, सपोर्ट आर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, एक अच्छा नव निर्माण भारत के लिए हम साथ हैं, क्योंकि हम सब का दायित्व तो है। हमने वोटिंग करके एक 2/3 मेजोरिटी का गवर्नमेंट बनाया, तो हमारा हमने मत दिया अपना, हमने अपना विचार दिया, तो इस विचार को भी बनाए रखने में हम गवर्नमेंट का साथ दें, तब जाके एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत बन पाएगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया हो पाएगी और वाकई हो पाएगी। आज भूगोल में परिवर्तन हो रही, आज कई ऐसे सिटीज हैं जहां मेट्रो चल रही है, बुलेट चलने की, बुलेट ट्रेन की प्लान हो रही है, कई छोटे छोटे सिटीज में अच्छी एयरपोर्ट बन गई है, बहुत अच्छा रोडवेज का एक बड़ा सा नेटवर्क भारत में हो चुका है। हमारी करेंसी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा हर जगह काम हो रहा है, बहुत सुंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं। सो वी आर राइट नाउ अ डेवलपिंग, नॉट डेवलपिंग, वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। हम सब आए, हम सब मेहनत करें और सपोर्ट आर गवर्नमेंट, सपोर्ट आर नेशन। हम भारत के साथ हो, भारत हमारी माँ है, हम अपने माँ के साथ हो,
हम अपने माँ की शक्ति को, पैरों को और फिर मजबूत करें। हमारी भारत माँ ऐसी ही विशाल है, दुर्गा की वो तेज है। इस भारत माँ के ही राम भी सपूत हैं, इस भारत माँ के ही कृष्ण भी सपूत है, इस भारत माँ ने ही शंकर को भी। सारे अवतार जो हुए विष्णु, जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, सारे विष्णु का अवतार भारत में ही हुआ है। तो भारत माँ सबकी माँ है, राम की भी माँ भारत माता, कृष्ण की भी माँ भारत माता, शिव शंकर की भी माँ भारत माता, बुद्ध की भारत माँ भारत माता, महावीर की माँ भारत माता, हम सब की माँ भारत माता है। तो आए अपनी भारत माता के लिए अब हम कार्य करें, पूरे हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आए एक एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत कैसे हो, इसके लिए हम लोग कार्य करें। सो फील फॉर यूथ कि मेक पीस, शांति बनाए। और भारत हमारा जुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड ऑल द फील्ड्स डेवलपिंग हो रही है। आए एक उसी तरह से जो दुर्गा की शक्ति है भारत, उस और भारत माँ को और भी अच्छी तरह से हम ले जाएं। कि हमारा टारगेट था, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ड्रीम है, स्वप्न है, उसे हम पूरा करने में सहभागी हों। वाकई भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, इस कार्य के लिए हम सब का योगदान होना चाहिए। वी आर द एक्सीलेंट सन एंड डॉटर ऑफ द आर मदर भारत। हम भारत माँ के एक अच्छे सपूत हैं, हम भारत माँ के एक टैलेंटेड सपूत हैं, बच्चे हैं। हम सब का दायित्व तो है कि अपनी माँ के प्रति संवेदना बनाए। भारत माँ हम सबको आशीर्वाद दे और एक सुंदर, एक फिर से वो विशाल भारत, अखंड भारत का निर्माण हो, जो भारत कभी विश्व का लीडरशिप करती थी एवरी फील्ड में। आज भी वो समय है, हम सब एक हों, एकत्र हों और सपोर्ट इंडिया, सपोर्ट आर गवर्नमेंट एंड सपोर्ट आर कंस्टिट्यूएंट, सपोर्ट आर हमारे संविधान का सपोर्ट हो। सो भी अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो संविधान के तहत जो हुआ है उसका हम पूरी तरह से स्वीकार हो पूरे भारत में, पूरे भारत में एक कानून हो, एक विचार हो और फिर वो विचार पूरे विश्व तक जाएगी, पूरे विश्व तक भारत का मैसेज जाता है। कल तक भी मैसेज जाता था, आज भी जाता है। और आए एक विचार बन के, जिस तरह से हमने एक मत देके 2/3 मेजोरिटी से हम गवर्नमेंट को बनाए, उसी तरह हम 2/3 मेजोरिटी से, फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट का सपोर्ट करें और एक शांत भारत, संपन्न भारत, सशक्त भारत का हम निर्माण करें। जय जय हिंद राष्ट्र, जय जय हिंद राष्ट्र, जय जय हिंद राष्ट्र।